विधानसभा चुनाव से पहले प्याज की बढ़ती कीमतों ने रघुवर सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। बाजारों में प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए प्याज खरीदना मुश्किल हो चुका है, लेकिन रांची के पंडरा बाजार समिति प्रांगण में प्याज 44 रुपए किलो बिक रहा है। दरअसल प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए रघुवर सरकार ने थोक व्यापारियों की सहायता से सुविधा केंद्र खोलकर प्याज बेचने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने की। इस केंद्र से एक व्यक्ति को एक दिन में अधिकतम 2 किलो प्याज 44 रुपए प्रति किलो की दर पर बेची जाएगी। केंद्र पर रोज प्याज की दर की जाएगी और उसी दर के हिसाब से इसकी बिक्री की जाएगी। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री ने प्रदेश के खुदरा व्यापारी से अनुरोध किया कि वो उचित दामों पर उपभोक्ताओं को प्याज बेचे। दाम को देखते हुए और आगे की क्या योजना है? आज हम लोग फिर बैठेंगे और संभव है कि जो थोक व्यवसायी संघ हैं प्याज के, उनके लोगों को भी हम बुलाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बुलाएं और ये बात करें कि अगर हम कोई सब्सिडी देना चाहते हैं तो उसका लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचे, और आगे हमको रोजाना हमारे यहाँ प्याज की कितनी आवक होनी चाहिए, कितना है किसका अंदाजा लेंगे, और सभी मंडियों में एक समान दर से बिक्री हो, यह भी हम लोग चाहेंगे। प्याज के बारे में लोग कहते हैं और व्यवसायी संघ भी कहता है कि प्याज की होर्डिंग करके हम बहुत दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि प्याज सूखता भी है और प्याज गलता भी है। तो एक ऐसी वस्तु ये है कि कोई कहे कि बहुत होर्डिंग कर लेंगे तो ये संभव नहीं होगा और सब जगह उसकी व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए व्यवसायी संघ बड़ी सहयोग कर रहा है। इसके माध्यम से बाजार की जो प्रवृत्ति है उसका विश्लेषण थोड़ा। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कुछ दिन पहले ही आरजेडी ने राजभवन के बाहर 20 रुपए किलो प्याज बेचकर वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। बहरहाल प्याज की बढ़ती कीमतों ने जिस तरह से प्रदेश की जनता के खाने का स्वाद बिगाड़ कर रख दिया है, इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में रघुवर सरकार को ना भुगतना पड़े, ये डर सरकार को सताने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।